पूरे जग विच वसे पंजाबी प्यारिओ, अज असी तुहाडे नाल आ हीर जट कबीला दा अहवाल लै के तुहाडी खिदमत हाज़र होए हां। जटां विचों अत पुराना कबीला ते पुराने वेले तो कई अनभोल ये बिना बनते रहे ने भी भुलर मान ते आ हीर बस असली जट ने ते बाकी जट कबीले रजपूत ने, और ये बस एवें किसी जाणू की बनाई हुई गल है। आ हीर नू कई थावां ते हीर भी आख्या जांदा है। आ हीर का मतलब हुंदा है कजाया या बुढ़ा लागर, ते हिंदी विच आ हीर नू अबीर भी आख्या जांदा है। आ हीर मान का पुत्र दानरा का पोतरा ते सरोया का पड़पोता सी। ये अजीम सूरजवंशी जट कबीला है ते ये लोग हिंदू मुसलमान ते सिख धर्मां विच मिलदे ने। आ हीर जट कबीला दे लोग हालिया सिंध विच लाड़काना, शदादकोट, शिकारपुर, दादू, मीरपुर खास, अमरकोट, बदीन, कच्छबुद, बीकानेर ते होर इलाकों में वसते ने। ये पंजाब विच पंजाबी, सिंध विच सिंधी बोलते ने। ये जट, जमोट, रईस ते मलक सदांदे ने। हुण असीं वेखदे हां भी वख वख तज़किरियां विच आ हीर जट कबीले का जिक्र कित्थे कित्थे ते किसरा किसरा मिलता है। ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट विच ईडी मकलेगन ते एच ए रूज होरां आ हीर जट कबीला बारे इंज जानकारी दिती है कि इस तज़किरे च आ हीर या अलमदया तो बगैर अलफ ते हे ते ये ते रे दे सरनामे हेठ लिखा हुआ मिलता है। तो बिना शक ये नाम संस्कृत दे अबीर तो निकलिया। इस तज़किरे अंदर जटा दे इस कबीले बारे हंत करने वाली कई गल्लां लिखिया हुई ने, जिन्हां नूं मैं मेरा हौसला इत्थे करन दा नहीं पैंदा। अगे लिखिया हुआ दिल्लियों दक्षण रोहतक दे फूल के आन रियासतां, फूल क्या रियासतां दे नाल लगदे इलाकों में भी आ हीर मिलते ने, ते ओह मुगल राज वेले दिल्ली तो इत्थे आन वसे सन। जारस दा एंशंट रूलर विच बी एस दाहिया ने हीर दे सरनामे हेठ जानकारी देंदिया दस्सिया भई ग्रिशमेन दे मुताबक भी कबल मसीह विच सगदियाना दे बादशाह दा नाम हीरोस सी, हीरोस। किताब कशाना स्टडीज इन USA SR विच हीरायोस नूं कशाना दा ही एक कबीला दस्या गया। यही जटां दा कबीला है और इहदे विचों सीन जिहड़ी है मगरों लाहन नाल ठीक ना हीर जिहड़ा सामने आ जांदा। हीर असली जटां विचों इक कबीला ते गाथक जबान विच हीर दा मतलब बनदा है आका जां मालक। पंजाब के जाटों की तारीख में गुलाम अकबर मलक और हीर के सरनामे हेठ लिखा कि जटा का यह कबीला अत पुराना कबीला है, तो हिंद सिंध में उन्होंने अनगौले वेले तो वास है। ये उस वेले भी इस कबीले की कौ बोलती सी। कई यूनानी लिखारियों ने इस कबीले का ना वो फेर लिखा होया। सन ईस्वी के मुढ़ तो पहला सिंध के थलड़े दलदली इलाके दब दे बने हुए घर वसते हुए द इन्हों विखाया गया। कई सियाणियों का ख्याल है भाई लफज आहीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुत्र हाबील ते काबील की बिगड़ी हुई शकल है। पंजाब का कोई ज़िला इंजदा नहीं होना जिथे आहीर जट ना वसते हो। हूँ असी आहीर जट कबीले का कुर्सीनामा तुहाडे नाल सांझा करते हैं जो मीरपुर मथेला तो साढ़े आरिया डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट और साढ़े नाल साझा किया। उस कुर्सीनामा मुताबक हज़रत आदम अलैहि सलाम तो चोखा गेरे जा के ना आउंदा हज़रत नूह अलैहि सलाम का, जिन्हां नूं हिंदी विच मनु दूसरा आख्या गया। हज़रत नूह अलैहि सलाम उहनां दे सवाणी सना विचों तीन पुत्र साम, हाम ते याफस होए, ते उहनां दी दूजी सवाणी त्रीमत जिहड़ी सी वायला विचों चार पुत्र कनान, यरन, हरहर ते अजम होए। ये पंजे पुत्र जिहड़े सन ना, ये पंजे मां पुत्र जिहड़े सन ना मगर वाले, ये हज़रत नूह अलैहि सलाम उन्हां दे बेअदब ते गुस्ताख होण पारों तूफाने नूह विच डुब के फौत हो गए ते मर गए, ते इन्हां दी नसल वगैरह जिहड़ी है अगे ना चली। ते हज़रत नूह अलैहि सलाम उन्हां दे पहले तीन पुत्रां दी औलाद अगे वधी। साम दी औलाद जिहड़ी है सामी सदाई, ते ओह सामी बोली बोलदे सन ते एशिया दे विच वस गए। हाम दी औलाद अफ्रीका च वस गई, ते तीजे भरा याफस दी औलाद जिहड़ी है तुर्की, चीन ते यूरोप दे विच जा वसी। अगों साम दे पुत्र होए अरफका सिंध, यानी दूजा नाँ सिंध भी सी, ईश्वर दूजा नाँ हिंद सी। अगला पुत्र सी आराम, उहदा नाँ दूजा आर्मीनिया भी सी। अगला पुत्र सी असवर, जिहदा दूजा नाँ फारस सी। अगला पुत्र सी लूद, जिहदा दूजा नाँ मतलब रोम सी।
अगला पुत्र सी बलकान, उदू अगला सी समान, उदू अगला पुत्र सी कनान। कनान का दूजा नाँ की कानवी सी। अगले पुत्र का नाँ लावर सी, अगले का इलाम, अरबी में उन्होंने गिलाम आख्या गया। तो अगला पुत्र सी मूरच। अगों अरफा सिंध, सिंध के पुत्र होए जी सखर, सखर पखर ठट्टा होल हरमेश अमर। अमर की नस्लों सिकंदर ज़ुल्करनैन होए जिन्हों का कुरान में जिक्र आता है। अगे डागर होया जी, अमर तो बाद डागर ए गैर आर्या नस्ल है। अगला पुत्र सी जलूदर, अगला पुत्र सी जाशर जिदा दूजा नाँ लौजर भी सी। एदी समूद वा समूद की कौम सी। उदू अगला पुत्र सी गुजरात, उदू अगला पुत्र सी गारा यानी जिदे जिदा दूजा नाँ हड़प्पा भी सी। अगला पुत्र ठी टैक्सला, उदू अगले पुत्र का नाँ हंड सी, हंड का ही दूजा नाँ सुआबी भी है। उदू अगला पुत्र सी आसाम, उदू अगला पुत्र सी तामिल जिदे तो तामिल कौम चली। उदू अगले पुत्र का नाँ सी मूला जिदे नाँ तो मुल्तान पिया, मुल्तान का नाँ ही केशवपुरा भी रहा। अगला सी मिजोराम, तो अगला सी मकरान जिदा दूजा नाँ मकान भी है। तो अगला पुत्र करमान, तो अगला हनवादर, हनवादर का दूजा नाँ गवादर भी है, तो गुदरीशिया भी है। अगला पुत्र सी कीकान जिदा दूजा नाँ कलात भी है। तो अगला पुत्र खुजदार, तो उदू अगले पुत्र का नाँ सी सीस है, जिहड़ा सूबा सीस्तान है ईरान दे विच। मुड़ के मूला दे पुत्र होए जी सरवाई, इरम ते अस्टोबर भी। ते अगों इरम दा पुत्र होया जी जिहड़ा ऊज, ते ऊज दा पुत्र होया फिर सागत जिहदा दूजा नाँ इरम सी। ते अगों सागत दा पुत्र होया आद, ये मोहन दी कौम सी। मुड़ के आद दे पुत्र होए जलूद, सहरेब, सहरेब दी नस्लों नमरूद दी नस्ल टुरी। अगला पुत्र सी पतन, अगला काहू, अगला जुकर, अगला डीजी, अगला रोड़, अगला दुहागा, उदू अगला रोड़का, उदू अगला टाका, उदू अगला शदाद, उदू अगला पुत्र शदीद, उदू अगला बाला, अगला मेहर, मेहरगढ़ ते सुहागा। अगों इन्हां विच्चों जलूद दे पुत्र होए पा, अरनंद, शला, अंबर ते ब्रह्मा। अगों बा दे पुत्र होए विष्णु, वेस, सुरंबू, शंकर, चेतू, सिंबू ते गोरख। गोरख का ही दूजा नाँ हज़रत हूद अलैहि सलाम सी। अगों हज़रत हूद अलैहि सलाम के पुत्र होए अरड़, जिदे नाँ तो हरीर का किला जिहड़ा दादू दे विच 400 फुट उच्चा। अगला पुत्र सी गब्बर, अगला बब्बर, अगला तंदूर, उदू अगला बरबरा, उदू अगला हेम, ते अगला भीम। अगों बरबरा दे पुत्र होए अबरू, अबर ते अबरीन। अगों फिर अबरू दे पुत्र होए कैतान, कैतान का मतलब हुंदा है महाराजा राओ। अगला पुत्र होया सोम, अगला महला, अगला अग्नि, अगला सुई, ते अगला निरसल। अगों कैतान का पुत्र फलज, सलज, ते यारब। एदी नस्लों जिहड़ी यारब की नस्ल है वह यमन चली गई, तो उन्हें सबा का मुल्क वसाया, उन्होंने मलका बलकीस हुई है। अगों फिर जिहड़ा यकतान सी ना, उहदी नस्ल अगे टुरी, उहदा पुत्र सी शाहरुख, मंबा भी उहदा नाँ सी। अगों शाहरुख का पुत्र होए हज़रत नाहूर, जिन्हों का नाँ सी हज़रत अयूब अव्वल। ये मुल्तान के बादशाह सन, ते रसूल भी सन, और इन्हां दी जिहड़ी कबर है बूहड़ गेट मुल्तान के अंदर वार है। अगों नाहूर के पुत्र होए शबर, बशर, बशर का नाँ दूजा जुलकिफल सी। ते शबीर, ते बशीर, ते खारान जिहड़े अम्मा सायरा दे वाले सन, ते तारख, ते आज़र। अगों तारख के पुत्र होए हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम, ते फाऊर, नाहूर, ते हारान। फाऊर हज़रत लुकमान हकीम दे वाले सन, नाहूर लाबान ते नीतूएल दे वाले सन। अगों लाबान दियां दो धियां राहील ते लिया होईयां, जिहड़ियां हज़रत याकूब अलैहि सलाम नाल व्याहियां गईयां, ते नीतूएल दी इको धी बरमका होई जो हज़रत इसहाक होरां नाल व्याही गई, अलैहि सलाम नाल व्याही गई, ते उस विच्चों जौड़े पुत्र ऐसू ते हज़रत याकूब अलैहि सलाम होए। हारान हज़रत लूत होरां दे वाले सन। अगों हज़रत इब्राहिम होरां दियां तीन चार सवाणियां दे विच्चों 13 पुत्र ते 2 धियां होईयां। वड्डी सवाणी सायरा विच्चों हज़रत इसहाक अलैहि सलाम पैदा होए, जिन्हां नूं अंगर सी भगवान आख्या गया। दूजी सवाणी अम्मा हाजरा विच्चों हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम पैदा होए, जिन्हां नूं अथरू भगवान आख्या गया। तीजी बीवी विच्चों 6 पुत्र ते 1 धी लाली बाई होई। तो चौथी सवाणी जिहड़ी हाजियां सी, उहदे विच्चों 5 पुत्र ते 1 धी लबूदा बाई होई। तो मुड़ के हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम होरां दे पुत्र हज़रत इस्माइल यानी अथरू भगवान होरां वल दियां 3 सवाणियां विच्चों औलाद जिहड़ी है बस मिजाग नाँ दी बीवी वल होई, तो उस वल 12 पुत्र ते 1 धी बिस्मा जम्मी, जिहड़ी हज़रत इसहाक अलैहि सलाम दे पुत्र ऐसू दे नाल व्याही गई, तो उस विच्चों सलातीन रोम दा वड़का रोम जम्मिया।
ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਿਆਬੂਤ ਕਿਰਨ ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ ਕੀਦਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਉਮੇਲ ਪਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬੇ ਰਸਦ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਆਬੂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਅਰਬਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧ ਵਲਾਇਤ ਜੱਟਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅੱਗੋਂ ਉਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਵਰੂਨ ਨਰੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਨ ਵਰੂਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਮਗਦਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਹੋਏ ਨਰੀ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਟੁਰੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਸ਼ਾਖ ਟੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੱਟੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ੇਪ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ੇਪ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਲ ਹੋਇਆ ਦਿਓਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮਨੂ ਅਤੇ ਵੱਛਾ ਮਨੂ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਛਾ ਤੀ ਨਸਲੋਂ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਛਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਛਵਾ ਕਛਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਮੱਲ ਅਮਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸੀਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਅਤੇ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਅਤੇ ਕਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਅਤੇ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਅਤੇ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਚੁਨੀਰ ਰਾ ਉਨੀਰ ਰਾ ਪੁਨੀਰ ਰਾ ਸੁਨੀਰ ਰਾ ਰੁਨੀਰ ਰਾ ਪਨਵਾਰ ਰਾ ਭਾਟੀਆ ਰਾ ਗੁਰਜਰ ਰਾ ਪਰਮਾਰ ਰਾ ਚਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਲੰਗੀ ਸੀ ਰਾ ਭੜਿਆਰ ਜਿਹਦਾ ਭੜਿਆਰ ਕਬੀਲਾ ਅਤੇ ਰਾ ਚਾਹੂ ਮਾਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਮਲ ਦੇਵੀ ਸੁਖੜ ਦੇਵੀ ਸਰਲ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ ਸੰਧਿਆਲੀ ਰਾਜ ਸੰਗਲੀ ਰਾ ਉਡਾਣਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਦਮਣੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਈ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਮੰਬਾ ਰਾਜ ਪੁਛਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਪਾਇਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਇਰੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸਲ ਦੇਵੀ ਸਵਰਧਨ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੋਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਮੱਲ ਰਾਏ ਮੱਲੀ ਪਿੱਲਰ ਰਾਏ ਸੂਦਰਕਸ ਰਾਏ ਬਾਗੜ ਰਾਏ ਗੁਰਾਇਆ ਰਾ ਡਿੱਲੂ ਰਾ ਤਿੱਤਰ ਰਾ ਛੱਤਰ ਰਾ ਸਾਂਘਾ ਰਾ ਸਿਆਣ ਰਾ ਬਡਗਾਮ ਰਾ ਸੋਜਲਾ ਰਾ ਮੰਗਰ ਰਾ ਡਹਿਲ ਰਾ ਹੰਜ ਰਾ ਦੋਸੰਝ ਰਾ ਕਟੋਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਮ ਰਾ ਧਨ ਰਾ ਚਾਂਦ ਰਾ ਗਤਵਾਲ ਰਾ ਚਿਓੜ ਰਾ ਬੱਧਣ ਰਾ ਗੀਲੂ ਰਾ ਸਾਂਸੀ ਰਾ ਕਜਲਾ ਰਾ ਸੁਹਾਵਣ ਰਾ ਸੋਲਾ ਰਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਰੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲੱਖਣ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਧਨ ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਰਾ ਦੁੱਲੇ ਰਾ ਦਲੀਲ ਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸਵਾਲ ਰਾ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਰਾ ਅੱਗੋਂ ਮਾਨ ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਿੰਡਰ ਰਾ ਸਿੰਧੂ ਰਾ ਅਤੇ ਆਹੀਰ ਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂਗਟ ਰਾ ਅਤੇ ਮਿਨਹਾਸ ਰਾ ਅੱਗੋਂ ਆਹੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆਹੀਰਾ ਅਗਮ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿੱਧਾ ਨਿੰਦਾ ਆਈਂਗਰ ਸੋਹਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ ਜੀ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਸੀਮ ਆਹੀਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੀ ਆਹੀਰ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ।